ऐसा पॉइंट हमें मिले कि हम वो पॉइंट पकड़ कर और पूरा स्टेबलाइजर बना दे, मतलब कि कहीं पर भी कनेक्शन में हम अटके ना, फंसे ना, किसी भी कनेक्शन, कोई भी स्टेबलाइजर हो, कोई भी हो, किसी तरह का कनेक्शन हो, चाहे कितने भी उसमें ग्रेडेड आइटम लगे हों, चाहे कितना भी कुछ हुआ हो, पर हम कनेक्शन एक पॉइंट ऐसा पकड़ें कि हम करते चले जाए। तो हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ, और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों बात यहां पर ये आती है कि अभी जो हम एक मार्च से स्टार्ट करने को थे अपनी क्लास, तो उस क्लास में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ भाई साहब थे हमारे, तो उन भाई साहब ने बोला हमसे कि होली आ रही है, तो सर जी ऐसा ना करके कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। तो फिर मैंने सोचा कि होली आ रही है हमारी, 18 या 19 तारीख को हमारी होली है, ठीक है, तो हमने सोचा कि अब एक मार्च को रहने दें कि हम 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट कर दें, राइट। अच्छा, 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट करने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हम 1 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, ठीक है, अगर आप एक साल में, पहली बार तो एक चीज़ आती है कि साल में एक ही त्यौहार आता है हमारा, ठीक है, और उस त्यौहार को अगर हम घर पे अच्छे से नहीं मनाएंगे तो थोड़ा सा वैसा फील होता है, ओके। तो इस कंडीशन में 1 अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, तो 1 अप्रैल से अच्छा फ़ायदा ये होने वाला है, जैसे कि अगर हमने 1 मार्च से क्लास अगर स्टार्ट कर दी होती, राइट, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि जब होली आती तो आप जाते घर पे, तो आप घर पर तो जाते ना वैसे, तो आपका उसमें किराए भाड़ा भी खर्चा होता और आपका उस दिन छूट भी जाता क्लास, राइट। तो इस कंडीशन में हमने क्या क्या है, अब उसको हमने हटाकर डायरेक्ट 1 अप्रैल को कर दिया, ठीक है, 1 अप्रैल से हमारी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। अच्छा, 1 अप्रैल में जो क्लास स्टार्ट हो रही है उसमें कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी रजिस्ट्रेशन करा लिया उन्होंने, 1 मार्च की जो हमारी स्टार्ट चल रही थी क्लास, उसमें कुछ भाई साहब ने जो बोला था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उन्हीं भाई साहब ने बोला था मेरे से कि सर जी होली आ रही तो ऐसा ना करके कि आप 1 अप्रैल को स्टार्ट कर लें, राइट। तो कुछ भाई साहब ने रजिस्ट्रेशन करा भी लिया था, ठीक है, और उनका रजिस्ट्रेशन हो भी क्या है, और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि उसमें कुछ सीटें खाली हैं, तो आप चाहें तो 1 अप्रैल वाली क्लास में आप ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। अच्छा, 1 अप्रैल वाली क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको पता है क्या क्या कोर्स मिलने वाला है, जिससे कि हमारा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हो गया, ऑटो कट स्टेबलाइजर हो गया, मैनुअल स्टेबलाइजर हो गया, और फिर हमारा डोमेस्टिक बैटरी चार्जर हो गया, नॉर्मल बैटरी चार्जर हो गया, कमर्शियल बैटरी चार्जर हो गया, ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग होगी, और फिर हमारा जो गोल्ड वाला ट्रांसफार्मर होता है उसकी भी फुल डिजाइनिंग हम आपको कम्प्लीट बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये आती है कि कुछ भाई साहब के मन में कन्फ्यूज़न भी रहते हैं काफ़ी ज़्यादा कि हम उसकी पढ़ाई करवाएंगे क्या, फिर कैसे क्या करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ पहले क्लियर करता हूँ इस चीज़ के बारे में कि हम जो भी आपको बताएंगे, जो भी आपसे करवाएंगे, वो सीधा सीधा हम आपसे हाथ से करवाएंगे। अच्छा, हाथ से कराने से हमें क्या फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि आप हाथ से करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसमें। हाथ से करने से जो चीज़ आप हाथ से करेंगे तो उसकी बात अलग होती है, वो बहुत एक अच्छे लेवल से होता है, और उसी चीज़ को अगर हम थ्योरी में समझेंगे तो हम बहुत कम समझ पाएंगे, मतलब अच्छे से नहीं समझ पाएंगे उसको, अच्छे से फिर कर भी नहीं पाएंगे हम, राइट। अच्छा, इसीलिए फिर हमने फुल प्रैक्टिकल, मतलब कि फुल प्रैक्टिकल कराएंगे, हाँ, जहाँ पर आएगा, जैसे कि जहाँ पर हमें पता ही चल रहा है कि यहाँ पर हमें थ्योरी में ही बताना पड़ेगा तभी आपके समझ में आएगा यहाँ पर, तो वहाँ पर हमारी थ्योरी चलेगी, नहीं तो सारा कुछ हम आपसे हाथ से ही कराएंगे, राइट। अच्छा, हमारे स्टेबलाइजर में कोई एक चीज़ तो है नहीं, हम एक चीज़ का कोर्स बताएंगे, एक का बताएंगे, पर अलाउंडर बनाएंगे। अब ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में कोई एक चीज़ नहीं है, हमारा 90 से 300 है, 90 से 440 है, 140 से 440 है, 60 वोल्ट से 300 है, फिर 140 से 300 है, फिर 110 से 300 है, फिर 110 से 440 है, 130 से 440 है, 130 से 300 है, 270 है, 280 सिंगल फेज डबल फेज, और एक सर्किट में भी कनेक्शन नहीं बताएंगे हम आपको। ये सर्किट हमारे पास इतना ज़्यादा सर्किट है, हर क्वालिटी का अलग अलग सर्किट है, हर सर्किट पर आपसे कनेक्शन करवाएंगे, उसमें हम क्यों करवाएंगे, वो हम इसलिए करवाएंगे ताकि आपके यहाँ क्या पता कौन सा सर्किट मिले, किस समय कौन सा सर्किट मिल जाए, राइट, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, आप तुरंत कर ले जाए। अच्छा, हमने इतना सर्किट हमारे पास, हमने आपको कनेक्शन भी करके दिखाया, और ले लिया, और हमारे पास बाकी सर्किट अभी और भी है हमारे पास,
अभी जो कि हमने आप वीडियो में हमने दिखाई नहीं है, आज तक अभी दिखाई नहीं है वीडियो में कि हमारे पास कौन कौन सा और सर्किट है। बहुत सर्किट है अभी और भी बाकी बहुत सर्किट हैं, तो उनको भी हम उसमें फील कराएंगे, मतलब उसमें भी आपको कोर्स कराएंगे, उसमें सिखाएंगे आपको, उससे कनेक्शन करवाएंगे उन सर्किटों पर, अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे। कोई मेरे तरफ से फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होगी बस। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी आ रही है कि हमारी जो 1 अप्रैल से जो क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि 1 अप्रैल वाली में कुछ सीटें खाली हैं, तो आप लोग सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं यही कहूँगा सोचने से बिल्कुल भी कुछ भी फायदा नहीं, राइट। हमें जो करना है तो करो, जो करना है करो, सीखो और खोलो, दुकान खोलो, शॉप खोलो, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर लो, राइट। अच्छा, इस यहाँ पर हमने और भी एक चीज़ और ऐड कर दी उसमें, जैसे कि जो हम अभी तक आपके लिए सोच रहे थे कि हम आपको EL कोर ट्रांसफार्मर में आपसे सभी कुछ करवाएंगे, हर तरह का कनेक्शन करवाएंगे, राइट। अब हमने क्या कर दिया उसमें, जो हमारा गोल्ड वाला ट्रांसफार्मर, यानी कि जो ट्रेंडिंग में आने वाला, मतलब आने वाले समय में हमारा गोल्ड वाले ट्रांसफार्मर चलेगा, राइट। तो हम गोल्ड वाले ट्रांसफार्मर की आपको डिजाइनिंग तो बताएंगे बताएंगे, पर हम उसमें आपको गोल्ड वाले ट्रांसफार्मर पे कनेक्शन भी करवाएंगे, स्टेबलाइजर पर 90 से 300, 90 से 440, जितना भी होता है सब कराएंगे, गोल्ड वाले भी और EL कोर पे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों ट्रांसफार्मर पे हमारा सभी कुछ रहेगा, ठीक है, हम वेल्डिंग मशीन के लिए भी बता देंगे आपको, और बाकी जो भी है थोड़ा बहुत, तो ये सब कुछ बता देंगे। PCB जो हमारा सर्किट होता है, उस PCB के बारे में बताया जाएगा आपको, सर्किट के बारे में, ठीक है, अच्छे से बताया जाएगा, और बाकी जितना भी कंफ्यूजन है ये सब उसमें क्लियर होगा, मतलब कि आप यहाँ से बिल्कुल एक अलाउंडर बनकर जाएंगे, मतलब कि आपको कहीं से कहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि बाई चांस आपको जैसे कि किसी चीज़ में फंस गए, मेरे यहाँ से जाने के बाद किसी चीज़ में अगर फंस गए, पहले तो आप फंसेंगे तो किसी भी चीज़ में नहीं, जैसे कि एक आगे के लिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, अगर किसी चीज़ में फंस गए तो लाइफ टाइम के लिए मेरी सपोर्ट रहेगी आपके साथ, लाइफ टाइम के लिए, मतलब कहीं पर भी आपको दिक्कत हो रही है, कोई काम आप सही से नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ में फंस रहे हैं आप, तो मैं मेरी सपोर्ट रहेगी, ठीक है, मैं आपकी सपोर्ट करूँगा, राइट। अच्छा, बाकी और चीज़ों की बात करें जैसे खाने पीने की, तो मैंने आपसे बोला कि रूम जो रहेगा वो मेरे तरफ से रहेगा, उसमें बेड आपको मिलेगा रहने के लिए, ठीक है, अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी, बाकी उसमें हम क्या कर देंगे, चूल्हा बर्तन दे देंगे आपको, वो आपकी मर्जी है कि आप चाहे बनाए या ना बनाए, राइट। हम क्या करेंगे, हम आपको अपनी तरफ से पूरी सुविधा देंगे, बाकी आपकी मर्जी है कि आप उसको खाना वहाँ पर बनाकर खा भी सकते हैं, नहीं तो आप होटल से खा सकते हैं, 30-40 रुपये का सादा खाना मिलता है, आप वहाँ पर खा सकते हैं आराम से। वैसे अगर आप लोग अपनी मर्जी से बना लेंगे, जैसे कि सब लोग मिलकर बना लेंगे खाना, तो उसमें आप लोग अपनी पसंद से भी बनाएंगे और अपनी पसंद से खाएंगे भी, और कम पैसे में हो जाए, कि 1 अप्रैल वाली में आप लोग ज्वाइन हो जाएं, तो कुछ सीटें खाली हैं, ठीक है। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एड्रेस जितना भी है सब मेरा ले सकते हैं। फिलहाल मैं एड्रेस यहाँ पर भी क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमारा लखनऊ से कम से कम 150 किलोमीटर आगे है, राइट। हमने यहाँ पर एड्रेस क्लियर कर दिया है, और जब आप मेरे से पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे तो मैं आपको पूरा क्लियर एड्रेस कर दूंगा, कहाँ पर क्या होना है, कहाँ पर आना है, कहाँ पर उतरना है, सभी कुछ बता दूंगा, वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, कितना फीस रहेगा, कितना क्या रहेगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन चार्ज में क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज में आपको कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, रजिस्ट्रेशन चार्ज में हमें करना है सिर्फ 1000 रुपये पे करना है और आधार कार्ड अपना भेजना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, आप कंफर्म हो जाएंगे, फिर आप 1 अप्रैल वाली में ज्वाइन हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन में, ओके। आप चाहें तो करा भी, आप आधार कार्ड भेज देंगे, जैसे कि अगर आप चाहें तो 1000 रुपये को मेरे पास नहीं भी भेज सकते, जैसे कि आपके मन में कन्फ्यूजन है कि अभी थोड़ी 1 अप्रैल तो बहुत आगे, राइट, बहुत आगे, पर आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि आप अपना आधार कार्ड भेज दें, मुझे कंफर्म हो जाएगा, राइट, फिर आप चाहें तो 1000 रुपये जब जैसे कि 1 अप्रैल से 2-4-6 दिन पहले ही भेज सकते हैं, ठीक है, तो उससे आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, राइट। और अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये आती है कि स्टेबलाइजर के कनेक्शन जो होते हैं, स्टेबलाइजर के जो कनेक्शन होते हैं, हम हमेशा यही सोचते हैं, कुछ भाई साहब हैं भी और सभी भाई साहब नहीं, यानी कि यही सभी सोचते हैं कि कुछ एक ऐसा पॉइंट हमें मिले कि हम वो पॉइंट पकड़ कर और पूरा स्टेबलाइजर बनाते, मतलब कि कहीं पर भी कनेक्शन में हम अटके ना, फंसे ना, किसी भी कनेक्शन, कोई भी स्टेबलाइजर हो, कोई भी हो, किसी तरह का कनेक्शन हो, चाहे कितने भी उसमें क्रेडिट आइटम लगे हों,
चाहे कितना भी कुछ हुआ हो, पर हम कनेक्शन ये पॉइंट ऐसा पकड़ें कि हम करते चले जाए, उसके लिए आपको मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होगा। तभी आप एक पॉइंट को पकड़ सकते हैं कि वो कौन सा पॉइंट एक ऐसा है कि हम चाहे कोई सा भी आपके लिए स्टेबलाइजर, चाहे इतना बड़ा आ जाए, चाहे इतना बड़ा चाहे इतना भारी चाहे इतना कोई सा भी आपके पास स्टेबलाइजर आ जाए, आप बिल्कुल आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज में। पहले तो मैं एक एक चीज जब आपको बताऊंगा, एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, पूरी स्टेबलाइजर की पूरी एक एक कहानी पूरी स्टोरी जब बता दूंगा, तो फिर आपको दिक्कत कहां से आएगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। बाकी 1 अप्रैल याद रखना, 1 अप्रैल से क्लास हम स्टार्ट, अब कंफर्म कर दिया हमने, बिल्कुल कंफर्म है ये, 1 अप्रैल हमारा कंफर्म है, 1 अप्रैल को हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ सीटें खाली हैं उसमें, तो आप हिस्सा उसमें ले सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाकी पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए है मेरा व्हाट्सएप नंबर। तो चलिए फिर दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।